गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन, बैठ जाओ। सब बढ़िया? चलो ये बताओ कि अभी तो इस बीच में जो भी टाइम निकला खूब घर पे रहे थे, है ना? किसी से मिल पाते थे? नहीं मिल पाते थे। तो कैसे बात करते थे किसी से? फोन से बात करते थे, मतलब सबका हालचाल मिल जाता था, फोन से बात करते थे। और मन काहे में न्यूज़ वगैरह कैसे करते थे, कैसे देखते थे कि क्या हाल चल रहा है? टीवी पर फिर सारा हाल मिल जाता था, अपने रिश्तेदारों का हाल फोन से लेते थे ये सब। और पहले फोन नहीं था, जब ये सब चीजें नहीं थी तब कैसे लेते थे लोग? एक एक बोलो, एक एक चिट्ठी, चिट्ठियों द्वारा। हाँ, पहले आपको चिट्ठी लिखता है? हाँ, बहुत कम। अब ऑफिशियल लेटर्स ना, अब क्यों नहीं लिखते? ये सारी चीजें हो गई हैं, इनको क्या कहते हैं हम, कौन से साधन? संचार के साधन। तो अभी कल हमने भारत के अंदर दो चीजें पढ़ा था, हम लोगों ने भारत का क्या पढ़ा था? व्यापार पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड व्यापार में अभी बताती हूँ कि क्या जरूरत पड़ती है व्यापार में। संचार का कोई कॉम्बिनेशन है? बताओ कैसे? हमारा चैप्टर कौन सा है? व्यापार हमने कल पढ़ा, आज पढ़ेंगे संचार। तो व्यापार के साथ संचार तो कुछ कॉम्बिनेशन है, क्या है? हाँ बेटा बताओ। आंटी, बहुत लोग कृषि के साथ करते हैं व्यापार, तो कुछ लोग जैसे मोबाइल्स की शॉप खोलते हैं, कंप्यूटर्स की खोलते हैं, तो वो भी एक व्यापार ही है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन दोनों का कहाँ बैठ जाओ बेटा, कि व्यापार में संचार का बहुत इस्तेमाल। ये बताओ कि जो अभी टीवी पे एड्स देखते हो, टीवी पे देखते हो ना, कौन कौन सा सोप खरीदते हो टीवी पे देख के? है ना, उससे बिजनेस को क्या होता है बताओ, क्या मिला? बढ़ावा मिलता है ना, बढ़ावा मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। खैर वो तो व्यापार से रिलेटेड हम लोग, क्योंकि एक लेसन में चीज थी व्यापार एवं संचार, तो उसका कनेक्शन बताने के लिए मैंने आपसे बात करी। लेकिन अब संचार की क्या बहुत जरूरत है हम लोगों को? क्या क्या जरूरत है हमारे लिए, क्या जरूरत है इसकी? हाँ, बहुत सारा उपयोग इसके हमारे जीवन में है, है ना? कि जैसे अब एक मोबाइल की बात बताई कि किसी को कोई मैसेज देना है, तुरंत पहुंचाना है मैसेज, तो हमको ये बहुत आसान लगता है। दूसरी बात अभी बताओ कि जो क्रिकेट में किसको किसको इंटरेस्ट है? क्रिकेट, अरे वाह, बहुत सारे बच्चों को। तो क्रिकेट जब अभी ये मैच होता है ना, पता है, है ना, मैच होता है तो कैसे देखते हो, वहाँ जाते हो? अच्छा, तो क्या जब मैच हो रहा होता है एक हफ्ता पहले, एक हफ्ते बाद देखते हो? रिकॉर्डिंग से लाइव देखते हो? तो ऐसे कैसे देखते हो कि लाइव तो चल रहा है शारजा में मान लो, और हम बैठ के देख रहे हैं यहाँ? एक 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 बेटा हाथ उठा के बोलो, मुझे नहीं सुनाई देगा। हाँ, कभी सोचा इस बारे में कि अभी आपने इमेजिन किया कि कैमरा सेट करते होंगे, बोला ना बेटा आपने, लेकिन कुछ कभी सोचा कि ऐसा कैसे कि मैच तो चल रहा है 3000 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ देख रहे हैं? ठीक, ठीक, आपने जो बात कही सही है कि कोई तरीके होते हैं जिससे हम लोग ये करते हैं, हम लोग उसी के बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो संचार है ये कैसे चलता है, कि हम कहीं भी बैठे हैं और कहीं भी हम उस चीज पर बात किसी से कर पा रहे हैं, कहीं की न्यूज़ है लेकिन हम तक पहुंच रही है, हमारी न्यूज़ दूसरों तक पहुंच पा रही है, तो ये काम कैसे? अब संचार के साधन पहले बात की जाए, देखो ये सारे क्या है संचार के साधन, टेलीविज़न है,
वीडियो रिकॉर्डर है, ये क्या है, रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल्स हैं, इतने सारे जो दिए हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये लिमिटेड जो दिखाए गए इसमें कि बहुत सारे संचार के साधन हैं हमारे पास। अब जो बात हम लोग कैसे ये मैच वहाँ हो रहा है और यहाँ बैठ के देख पा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि सैटेलाइट, सुना है? Yes. उसको दूसरे शब्द में हिंदी में उपग्रह कहते हैं। उपग्रह, आपने ग्रह उपग्रह नेचुरल वाले तो पढ़े ही हैं, पढ़े हैं ना? Yes. तो ये सैटेलाइट जो है मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह। और आप क्या सोच सकते हो कि ऊपर मानव निर्मित कम से कम 2000 उपग्रह हैं, भेजे गए हैं, मीन्स मानव द्वारा ही भेजे गए, बनाए गए हैं और भेजे गए हैं सैटेलाइट। और वो कहाँ रहते हैं, जैसे आपने पढ़ा है सौर मंडल में ग्रह और उपग्रह अपनी कक्षा में, वैसे ही वो अपनी कक्षा में रहते हैं। अपनी कक्षा में रहते हुए काम कैसे करते हैं, यहाँ से जो चीज़ भी हमको भेजनी है या करनी है, ये देखो ये ट्रांसमीटर है और यहाँ से हमने ये चीज़ यहाँ भेजी और यहाँ तक पहुँची, यहाँ से इसने तरंगों द्वारा ये रिसीवर मीन्स जो रिसीव करने वाला है, जिस तरह हमें भेजना है वहाँ तक वो पहुँचाता है। ठीक है, समझ में आया कैसे हम यहाँ से सैटेलाइट को जाता है और सैटेलाइट से वो रिफ्लेक्ट होकर जहाँ जहाँ मतलब जाना है वहाँ उसको भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इसके अंदर जो जिस तरह से हम लोग ये काम करते हैं, टेलीफोन वगैरह कर जो करते हो, तो तारार तो है नहीं हमारे पास, है क्या? नहीं, वाइब्रेशंस होते हैं, तरंगें होती हैं तरंगों से, यस, तरंगों के द्वारा ये काम किया जाता है। अब जो ऑप्टिक फाइबर होता है इसका एक पार्ट, ऑप्टिक फाइबर हमारे बालों जितना से लगभग उससे थोड़ा जरा सा बड़ा, ये महीन महीन तार होते हैं जिसके अंदर भी बहुत सारे तारों के गुच्छे होते हैं जिनके द्वारा ये काम किया जाता है। टेलीफोन का कॉल होती है, टीवी पर जो आप पिक्चर्स देखते हो वो होती है, ये कंप्यूटर डाटा, ये सब चीज़ें इस ऑप्टिक फाइबर के थ्रू ही की जाती हैं। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक, ये टेक्नोलॉजी है जो इसके द्वारा किया जाता है सारा काम। अब आपने देखा है केबल, सुना है केबल, केबल पढ़ते हैं, देखे होंगे केबल पढ़ते हैं घरों में, जो खुदाई कर करके कितने केबल डालते हैं, ऊपर भी डालते हैं जो पोल्स पे भी और नीचे भी डालते हैं। तो केबल एक बार में, एक केबल एक बार में कई हजार टेलीफोन कॉल्स को सिग्नल देता है, उस पर काम किया जाता है और होता है। ठीक है, समझ में। और दूसरी बात करी जाए इंटरनेट की, अभी हमने फोन्स की बात करी कि फोन से कैसे करते हैं, इंटरनेट की बात करी, इंटरनेट भी ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आपको कोई चीज प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को दिया जाता है, सबसे पहले कहाँ जाते हो, क्या करते हो, इंटरनेट पे ही सर्च मारते हो ना, इंटरनेट से सर्च मार के बड़े आसानी से ला करके, हाँ ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आती है ना, कहीं भी बैठे हो लेकिन तुम इंटरनेट से वो चीजें ले लेते हो। उसके फायदे हैं, इंटरनेट के फायदे, आपको कोई चीज किसी टॉपिक पे कहीं भी आप जाकर उस पर सर्च मार के पा सकते हो। तो इंटरनेट भी इसी तरह से काम करता है, देखा आपने। और जो हमने बात करी कि जो ये उपग्रह बने हैं और इसके द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन किसी काम को करने के लिए ये देखिए 3 स्टेशंस होने बहुत जरूरी होते हैं, तब वो चीज जो हम रिसीवर्स के पास पहुंचाना चाहते हैं, ग्राही, रिसीवर्स मीन्स ग्राही, जिसके पास जाना है, तब 3 स्टेशंस जब होते हैं एक साथ तब वो मैसेज वहां तक, चीजें, इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है। समझ में आया, इस तरह से हमारा इंटरनेट भी काम करता है। आप लोगों ने देखा है कि अब जो अभी हम लोग बीच में कॉल भी कर रहे थे, जूम कॉल चल रही थी, और भी इस तरह के कई सारी चीज़ें थी जिन पर हम एक जगह से बैठे फॉरेन से लोगों के साथ भी जुड़े, सबके साथ जुड़े, हम तो सिर्फ आवाज़ ना सुनकर हम क्या कर पा रहे थे, देख भी पा रहे थे, आपस में बातचीत भी कर पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा संभव, ये सैटेलाइट के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हो पाती, उपग्रह कहते हैं इनको, जो हम मानव द्वारा ही निर्मित
होता है जिसके द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। और इनके बहुत सारे फायदे और भी होते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं उस इस इंटरनेट के द्वारा उन पर बहुत अच्छे से काम किया जा पाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया इंटरनेट का यूज़ आपको समझ में आया बच्चों? ये तो हमने अपने इससे इंटरनेट के यूजेस बताए आपको, कंप्यूटर आपके लिए। अब आप एक दो लोग बताइए कि आपके लिए किस तरह से ये बहुत उपयोगी है, क्या लगता है और क्या क्या चीज इस पे कर पाते हो? अभी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो हमने इंटरनेट का जो यूज देखा, बहुत सारे जो लोग इंटरनेट को जानते भी नहीं थे, जो इनके यूज़ को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अभी जब हमारे पास इतना बुरा एक साल महामारी वाला साल था उसमें बहुत सारे लोगों को इसके इसके बारे में जागरूक कराया, इसके फ़ायदे बताए। तो उसके फ़ायदे हुए कि नहीं? पूरा साल आपका खराब गया, खराब गया कि पढ़ाई होती रही? पढ़ाई हो पाई, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा अभी अभी आपने देखा कुछ ही समय पहले कि आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो पाई क्योंकि लॉकडाउन में हम सब अपने घरों में थे, कोई निकल नहीं सकता था, लेकिन इन्हीं जरियों के द्वारा हमारी पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसके बहुत सारे फायदे हमारी लाइफ में हैं। इस पर इंटरनेट के ऊपर आप चार लाइनें और लिखकर हमें कल दिखाओगे, चार या छह यूजेस। जितनी बातें हमने आज की वो तो हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या, पहले सोचोगे? थोड़ा सोचने का मौका दे रही हूँ, और किन किन तरहों से ये हमारे लिए फायदेमंद है ये आप लोग कल लिखकर लाओगे। अब आपको समझ में आ गया भारत में व्यापार और संचार ये सारी चीज़ें हम लोगों के आसपास हैं वो हमें कैसे देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। अब आपको समझ में आ गया है? ठीक है, तो अब इसके बारे में कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे, कल आप जब अपना काम करके लाएंगे। थैंक यू बच्चों।